में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम रे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु, अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, उसका विश्वास नहीं हो या सच्चाई। और अब तो परमात्मा ने दया कर दी, शास्त्र आपके समक्ष हो गए, रूबरू हो गए, आपके पास रखे हैं, आप उनसे तुलना कर सकते हो और तुलना करके तुरंत स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है, बतेरे दिन धोखा खा लिया। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव कहो ज्योत निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, सोड़ा संख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा, धर्म राय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर दुर्गा को आशा रही यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसने। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता, ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने यह वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा, कहीं ने सोचे ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर, क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को और देखो, निरीक्षण करो और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में सीडी बना रहे हैं। इनको देखो रह रहकर और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने गुरुओं ने कहते नौमन सूत उड़ जा दिया अध्यात्मिक ज्ञान का, उवा भाई बख के शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण बता के और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आप देख। नौमन सूत उड़ जा दिया, किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है और उवा भाई बोल रहे हैं।
अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा के पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीरपंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं, इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहेब जी को छुड़ाने वाले, हरियाणा जिला जज्जर गांव छुड़ाने वाले को स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण है परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था वो आदरणीय गरीबदास साहेब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है वो दिखाएंगे कैसे कर रखी है एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे, वो गलत कर दिया। तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहेब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा, अपने नकली कबीरपंथी इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने, उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित है, खेमराज श्री कृष्णदास बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अच्छा, इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर, ज्ञान बोध में ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए, ये नाम लिख दिया राम नियारा, वो परमात्मा अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग भेद पुराना आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई विरला जाने। ये कबीर पंथियां करा ना सही है, ये नकलियों का, यहाँ राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई विरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारी हे साहेब मोहे करो उबारी, टेर सुनी तब सतगुरता आए अष्टंगी के बन छुड़वाए, यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्म राय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर लीना, धर्म राय करे भोग विलासा माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए आए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने,
तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासा दीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया, ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन को वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको भी मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा, अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं, अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम ये ब्रह्म कहो चे राम को, आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा, गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि हिंदुओं के गुरुओं नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आण नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और मेरी ही महिमा मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं वो समय आ चुका है, अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहेब, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, उस परमेश्वर की असीम कृपा से हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, आत्म कल्याण है। मनुष्य जीवन पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर कबीर देव जी कबीर साहेब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं और हमें प्रेरणा करते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कह, मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, चीटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा, सभी उसी की आत्माएं हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण काल प्रेरणा से हम अपने परमात्मा को भूल चुके हैं और हम इस काल के इस सुनियोजित जाल में फंसे हुए हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम फाइनल मान चुके हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उस परमेश्वर ने पूर्ण ब्रह्म ने
आकर के स्वयं ही अपनी जानकारी हमें बताई कि तुम यहाँ